वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं माय चैनल कुक फूड पैराडाइज। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला एक भुर्जी की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और मैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की हेल्प से इसे तैयार करूँगी। तो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, जिसे पता करने के लिए आपको पूरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मसाला एक भुर्जी बनाने के मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हुए हैं, 2 मीडियम साइज की प्याज ली हुई है जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज की मैंने टमाटर लिए हैं इसे भी मैंने कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने मिर्ची और अदरक लिया हुआ है, 3 मिर्ची मैंने लिया हुआ है और छोटी सी अदरक लिया हुआ है जिसे मैंने काट लिया है, 1/4 कप हम यहाँ पे लेंगे हरा धनिया, 1 टीस्पून हम लेंगे यहाँ पे लेमन जूस, बटर हम लेंगे 2 टेबलस्पून और यहाँ पे हम लेंगे सूखे मसाले जिसमें मेरा 1/4 टीस्पून हल्दी मसाला है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून और यहाँ पे हम ले रहे हैं पाव भाजी मसाला 1/2 टीस्पून और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सारे अंडे को ब्रेक कर लेंगे और एक बॉल में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे अंडे को ब्रेक कर लिया है और इसमें अब जाएगा मेरा नमक यहाँ अभी हम थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि बाद में नमक हम और डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अंडे और नमक को मिक्स कर दिया है। तो अब हम एक पैन चढ़ाएंगे गैस पर और उसे गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे बटर। बटर गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे प्याज और प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा सा प्याज भूनने के बाद इसमें हम टमाटर और अदरक भी डालेंगे और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो अदरक और मिर्ची मेरा थोड़ा भून चुका है तो इसमें हम डालेंगे टमाटर और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक ताकि हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। थोड़ी देर में हम इसे भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे सारे मसाले जो कि हल्दी मिर्च पाउडर और मैंने पाव भाजी मसाला लिया था वो, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पाव भाजी मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। पाव भाजी मसाला जो है हमारा वो बहुत ही अच्छा मसाला है और एक भुर्जी का जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है इसे डालने से। आप इसे बनाकर जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही आपको पसंद आएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए और मसाला जो है हमारा अच्छे से भून जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। तो यहाँ पे मेरे टमाटर गल चुके हैं और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे लेमन जूस जो हमने लिया हुआ था और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। लेमन जूस डालने से जो हमारा एग भुर्जी में थोड़ा सा खट्टापन आता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसे मैंने अब मिक्स कर दिया है और हम डालेंगे जो हमने अंडा मिक्स करके रखा हुआ था वो और साथ ही साथ इसमें हम जो धनिया लिया था वो भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा मीडियम हीट करेंगे हम गैस का और इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा अच्छे से क्रम्बल ना हो जाए। तो यहाँ पर मेरे मसाला एक भुर्जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो आप ये इसे घर में जरूर ट्राई करें
तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और उसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मसाला एक भुर्जी की रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ हमें कमेंट के जरिए बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर इसकी फुल रेसिपी देखनी है तो आप मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी पिक्स पोस्ट करती रहती हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। You sound good.